झीलों की नगरी भोपाल की बेटी सितारों की नगरी मुंबई में धूम मचा रखी है। आपने देखा भी होगा और पसंद भी किया होगा। कई सीरियल्स में, कभी नागिन में तो कभी महिमा के रोल में, कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव, हम आज आपको मिलवा रहे हैं हमारे भोपाल की ऐश्वर्या से। ऐश्वर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ऐश्वर्या हमारे भोपाल की बेटी हैं और बहुत नाम कमा रही हैं भोपाल में। आज हम ऐश्वर्या से बात करेंगे कि कैसे वो इस लाइन में आई, कैसे उनका इंटरेस्ट आया और अब उनकी आगे की प्लानिंग क्या है। ऐश्वर्या, सबसे पहले तो ये कि भोपाल से आपने स्कूलिंग कम्प्लीट की, तो आप अपने स्कूल का नाम बताइए। मेरे स्कूल का नाम है सेंट थ्रीसास गर्ल्स स्कूल, पिपलानी। पिपलानी में उन्होंने खास तौर पर इसलिए बताया क्योंकि उनके पुराने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स सब उनको एक बार याद कर लें। ऐश्वर्या, सबसे पहले तो ये, जब आप स्कूल में तब सोचा था आपने कि आप एक्टर बनेंगी? कभी भी नहीं सोचा था, और आई थिंक मुझे जिन लोगों ने स्कूल में देखा है उन लोगों ने कभी मुझे देख के नहीं सोचा होगा कि मैं टीवी पे आने लायक दिखती हूँ। वो पता नहीं वक्त ने किया क्या, हसीन सितम बोलते हैं ना, ऐसा कुछ हो गया मेरे साथ। हसीन सितम तो हुआ था क्योंकि ऐश्वर्या खुद इतने खूबसूरत है और मुझे लगता है ऐश्वर्या नाम से लोग होते हैं, है ना ऐश्वर्या? वो मिस वर्ल्ड रही हैं, तो हमारी ऐश्वर्या मिस भोपाल रही हैं, मिस मध्य प्रदेश रही हैं। और ऐश्वर्या, सबसे पहले तो ये, जब आप मिस मध्य प्रदेश बनी वो क्या एक कहानी थी? आपने जैसा बोला ना कि मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या रही हैं, तो एक्चुअली मिस वर्ल्ड जब बनी थी ऐश्वर्या, इट वॉज 1994 और मैं 1995 में बॉर्न हुई हूँ, तो मेरे पापा ने ऐश्वर्या राय को देखकर ही मेरा नाम ऐश्वर्या रखा था। ये राज था ऐश्वर्या के खूबसूरत होने का। मिस एमपी मैं ऐसे बनी कि हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी 10th स्टैंडर्ड में, और मेरी एक फ्रेंड थी और हम दोनों ने न्यूज़पेपर में वो एक ऐड देखा था, तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं और दीदी, मतलब वो मुझसे थोड़ी बड़ी थी, मैं और रानू दीदी ये करना चाहते हैं तो हम कर लेंगे। तो मम्मी ने जाके पापा को बोला, फिर पापा और मम्मी हमारे साथ ऐसे, हम ऐसे टाइम पास के लिए चले गए थे कि हमारे पास और कुछ करने के लिए नहीं था, तो हम ऐसे चले गए थे। एंड फिर करते करते सीखते सीखते थोड़ी ग्रूमिंग हुई, फिर जिस दिन हमारा शो था उस दिन मैं जीत गई, पता नहीं कैसे। ऐसे मैं मिस एमपी बन गई। आपने स्कूलिंग करने के बाद आगे की पढ़ाई की प्लानिंग क्या की और क्या सोचा था कि 12th आते आते तक बच्चे एक करियर पे फोकस करने लगते हैं कि हमको ये बनना है? एक्चुअली मैंने सोचा था कि मेरी हाइट इतनी अच्छी है ना, तो मुझे हमेशा लोग बोलते थे कि एयर हॉस्टेस बहुत सारी जगहें घूमती हैं, तो मुझे घूमने का शौक बचपन से था। तो मैंने पापा को बोला था मुझे एयर हॉस्टेस बनना है, लेकिन उन्होंने वो करियर एकदम मना कर दिया, नहीं हो सकता, कुछ और सोचो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बहुत ऐसे पढ़ाई कंप्लीट करते हैं फिर देखते हैं टाइप सिचुएशन थी। तो 12th में आते आते तक मैं ऑलरेडी थिएटर कर रही थी क्योंकि मैं मिस एमपी 10th से बनी थी, तो फिर मैंने मॉडलिंग करी, फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया, बहुत लोगों ने बोला। तो मेरे जो थिएटर के मेरे जो सर थे चंद्रहास तिवारी सर, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें बॉम्बे जाना चाहिए। तो मैं ऐसे ऑडिशन जो भोपाल में होते थे वो देती रहती थी, बट कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं था कि मैंने कहीं एक्टिंग करी हो। थिएटर मतलब मैं शोज़ करती थी, उदयपुर शो करके आई थी, दिल्ली शो करके आई थी, तो वो ही किया था, कभी ऐसे कैमरे पे एक्टिंग नहीं करी थी। तो वही एक था मेरे दिमाग में जब मैं 12th ख़त्म करके कॉलेज गई थी। मैंने पापा को बोला कि मुझे मुंबई से ही कॉलेज करना है, थोड़ा वहाँ जाती हूँ, वहाँ रहती हूँ, वहाँ की लाइफ स्टाइल समझती हूँ, इसलिए मैं मुंबई गई थी। बट मैंने वहाँ जाके भी ऑडिशन दिए नहीं। कैमरे की बात हम कर रहे थे, तो सबसे पहली बार जब कैमरा फोकस किया तो क्या एक्सपीरियंस था? घबराहट थी या सोच रहे थे कि कैमरे पे पता नहीं क्या दिख रहे होंगे, कैमरे के उस तरफ जो कैमरामैन खड़ा है वो हमको कैसे देख रहा होगा, ये सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही होंगी? मैं एक्चुअली नर्वस नहीं थी, जैसा आपने बोला ना, मुझे याद नहीं है कि मैं कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि मैं हमेशा, मतलब आज तक मैं हमेशा नेचुरली करती हूँ, मैं कभी कैमरा देख के कॉन्शियस नहीं हो जाती कि ओ मेरे सामने कैमरा है, मुझे कुछ अलग करना है। मैं हमेशा जैसे अभी बात कर रही हूँ वैसे ही बात करती हूँ नॉर्मली भी, तो मैं कभी नर्वस नहीं थी। बस मेरा जो फर्स्ट डे मुझे याद है, जो मेरा डीडी नेशनल का शो था, और फर्स्ट डे मेरा एक सीन था जिसमें मुझे वो कपड़े धोने वाला बैट होता है ना, वो बैट फेंक के किसी को मारना था, और मुझे ऐसा लग रहा था बार बार कि कैमरे को लग जाएगा क्योंकि वो जस्ट इधर खड़े थे, मुझे कैमरे के पास मारना था। तो वो मैंने इतना टाइम लगा दिया कि वो डायरेक्टर उनसे इरिटेट हो गए थे कि ये किसको उठा के डालो तुम लोग।
तो वो एक मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो एक चीज करने में ना मेरी हालत डर क्या था कि जो बगल से खड़ा है वो उसको लग जाएगी किसी ना किसी को, क्योंकि मैं बहुत मुझे मेरा निकनेम मैं मुझे बचपन से मेरे परिवार वाले थद्दू बुलाते हैं क्योंकि मैं चलते चलते गिर जाती हूँ, मैं ऐसी हरकतें करती हूँ कुछ तोड़ दूंगी कुछ गिर जाएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो नहीं नीचे आप जिस मार्क पे बोल रहे हो वो नहीं आएगा, वो या तो किसी के सर पे लगेगी या तो कैमरे पे लगेगी। ऐश्वर्या बहुत कॉन्फिडेंट है और हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि लोग निकनेम बहुत आसानी से नहीं बताते। तो ऐश्वर्या ने बताया उनको फद्दो कहा जाता था क्योंकि वो चलते चलते गिर पड़ते तो मिस फद्दो भी हम कह सकते हैं प्लीज जो भी आप चाहें। अभी हम लेटेस्ट आपका एक सीरियल देख रहे हैं जिसमें आप महिमा बनी हुई है और बहुत ही मैम जो रोल है आपका बहुत नेगेटिव रोल में है, वो आपको कैसे मिला? वो एक्चुअली ये मेरी लाइफ का पहला रोल ऐसा है जिसके लिए मैंने ऑडिशन नहीं दी, तो मुझे खुद पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, मुझे आज तक कभी किसी ने नेगेटिव के लिए अप्रोच ही नहीं किया था और मुझे भी नहीं कभी लगता था कि मैं नेगेटिव कर सकती हूँ क्योंकि मैंने आज तक हमेशा पॉजिटिव ही रोल किए थे। तो बेसिकली महिमा पहले जब आई थी स्टार्टिंग में शो में तो उसको एक पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया था जो कि सिर्फ फ्लैशबैक में दिखाया था कि त्रिशा जो मेन लड़की है वो सोच रही है कि कैसे उसकी बहन ने डिलीवरी वो बच्चे को पैदा किया सारांश को और वो डिलीवरी के टाइम ही मर गए, ऐसा बस इतना सा रोल था वो। फिर उसके बाद आई थिंक मैं नागिन में जब आई तो हमारे ये गायक थी कि लोगों ने शायद मुझे नागिन में देखा होगा और उन्होंने बोला कि अरे ये तो अच्छा करती है तो इसको वापस लेके आते हैं या जो भी जैसा भी हुआ, मुझे अंदर की चीज़ तो पता नहीं है, बट बिकॉज मैंने वो उस टाइम एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है चलो छोटा सा ही काम है लेकिन बालाजी है और मुझे अप्रोच कर रहा है बालाजी तो मैं करूँगी, ये सोच के मैंने ये कर लिया और उस वजह से मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली जो महिमा के नाम से मैंने फेमस हो गई। तो कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी एकदम ऐश्वर्या फद्दो महिमा नागिन की बहन कुछ भी कह सकते हैं लेकिन ऐश्वर्या फुल कॉन्फिडेंट है। ऐश्वर्या आपने आगे सोचा है कि सीरियल अब बहुत समिटते जा रहे हैं टीवी में और लोग अपने मन से टीवी देखना चाहते हैं, इसमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर लोगों का फोकस ज़्यादा है, वेब सीरीज पर ज़्यादा है, कभी सोचा है कि अब आप भी थोड़ा सा अपने आप को चेंज करके वेब सीरीज? नहीं बिल्कुल, मैं सोचती वैसे तो मैं बहुत कम सोचती हूँ, मैं बहुत ही इन द प्रेजेंट जैसे कि मैंने कहा वैसी हूँ, तो मुझे अगर कोई भी चाहे वो वेब सीरीज़ हो चाहे वो टीवी हो चाहे वो फिल्म हो, इनफैक्ट मैंने फिल्म के लिए भी बहुत सारे ऑडिशन दिए, तो मैं हमेशा ये देखती हूँ कि वो कैरेक्टर कैसा है, मैं प्लेटफॉर्म देखने से पहले कैरेक्टर देखती हूँ कि वो कैरेक्टर उतना प्रोमिनेंट है या नहीं या सिर्फ ऐसे छोटा सा दो लाइन का कैरेक्टर है या वो कैरेक्टर कुछ स्टोरी में कुछ ला रहा है कुछ नहीं कर रहा है या सिर्फ खड़ा हुआ है। तो जैसे मेरे पास आए हैं 2-3 वेब सीरीज के लेकिन उनमें या तो वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं जो कि मैं अभी करना नहीं चाहती, या तो वो ऐसे कैरेक्टर थे जिसमें सिर्फ लड़का बोल रहा है और लड़की उसकी वाइफ बन के पीछे खड़ी हुई है, तो वो भी मैं नहीं करना चाहती, तो मैं एक अच्छे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का वेट कर रही हूँ जिससे मैं अपने OTT में डेब्यू कर सकूँ। लेकिन जो आप बोल रहे हो कि मैं वो रोल करना चाहती हूँ जिसमें मुझे डिसीजन दे, आपके सामने जब कोई रोल का ऑफर आता है तो वो आपका खुद का डिसीजन रहता है या मम्मी पापा से कंसल्ट करते हैं या कोई है आपको जो सही जगह बताता होगा? नहीं नहीं, मैं मम्मी पापा से कंसल्ट करती हूँ जब भी मुझे ऐसा कुछ लगता है, या तो अगर बहुत अच्छा है तो फिर मैं तुरंत से अपने आप से हाँ बोल देती हूँ, लेकिन कहीं भी मुझे अगर डाउटफुल लगता है कि ये ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है तो मैं पहले मम्मी पापा को ही फोन करती हूँ। मैं आपको बता दूँ कि ऐश्वर्या के पापा एक बहुत अच्छे सिंगर हैं और मम्मी रेडियो जॉकी हैं, तो ऐश्वर्या कभी सोचा कि पापा इतने अच्छे सिंगर हैं मैं उनकी लाइन में जा सकती हूँ, मम्मी इतनी अच्छी जॉकी हैं तो मुझे रेडियो संभालना चाहिए, कभी आया मन में? नहीं कभी नहीं आया, क्योंकि मम्मी पापा ने कहा हो कि हमारी विरासत संभालो? नहीं नहीं, पापा बल्कि हम लोग गाना गाते थे तो पापा हंसते थे इसीलिए हम लोग गाना नहीं गाते इसीलिए हम विरासत नहीं संभाल सकता होगा कि मैंने कैसे बच्चे मतलब मेरी लाइन पकड़ी। मेरी जो सबसे छोटी बहन है वो पापा के साथ गाती है तो वो बहुत अच्छी सिंगर है, तो पापा का उसने संभाल लिया है तो पापा की विरासत संभालने वाला कोई नहीं है, मम्मी की जॉब? नहीं मम्मी का वो अटक गया है। ऐश्वर्या कभी ये सोचा है कि आप भोपाल से गए मुंबई तक आप पहुँच गए, आपका सफर थोड़ा आसान रहा लेकिन यहाँ जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जो वाकई ये चाहते हैं कि उनको भी एक एक्सपोजर मिले, तो उनके लिए कोई मैसेज या कुछ ऐसे छोटे छोटे मैं हाँ मैं हमेशा जब भी मुझसे कोई
पूछता है तो मैं हमेशा उससे कहती हूँ कि वहाँ क्योंकि बॉम्बे में इतना कॉम्पिटिशन है, इतना कॉम्पिटिशन है, और शायद आपसे लाख हज़ार हज़ार गुना अच्छे दिखने वाले लोग, अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाले लोग वहाँ पर मौजूद हैं, तो सबसे ज़्यादा जो स्टैंड आउट कराएगा आपको वो है आपका काम। तो आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है कि आप वो काम सीख कर जाओ, इतने प्रोफेशनली वो काम सीख कर जाओ कि आपको वहाँ जाकर अगर आप ऑडिशन दोगे तो आपको ना ना बोल पाए कि नहीं यार ये बंदा काम अच्छा करता है, जैसा भी है काम अच्छा करता है। तो मैं सबसे बड़ी, अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं यही उनको राय देती हूँ कि आप सीख कर जाओ। और हमारे भोपाल में तो सीखने की बहुत ज़्यादा हमारे पास मीडियम्स हैं, यहाँ पर इतना थिएटर है, इतना हमारा भारत, और कहीं शायद इतना नहीं होता, और कहीं नहीं है। भोपाल में सबसे फेमस भारत भवन, भारत भवन में जितना अच्छा थिएटर है और जितने अच्छे से सिखाया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट भी मदद करती है। एग्जैक्टली। तो ऐश्वर्या, कहीं मुंबई में खूबसूरती ज़्यादा मायने रखती है या आपकी एक्टिंग? दोनों चीज़ें मायने रखती हैं, दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे ओमपुरी भी अच्छे एक्टर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। वही मैं कह रही हूँ कि आपके, आई थिंक वो कैरेक्टर के हिसाब से फिट होना ज़रूरी है। कभी कभी अब जैसे बहुत ज़्यादा कोई खूबसूरत, कभी कभी ब्रीफ ही आता है कि हमें डस्ट की लड़की चाहिए जो बहुत नॉर्मल दिखती हो, जो बहुत खूबसूरत ना हो, तो वहाँ पर खूबसूरती मैटर नहीं करती। वहाँ आप कैसे हो और आप कैसे इनैक्ट कर रहे हो उस कैरेक्टर को, वो मैटर करता है। तो आप जिस कैरेक्टर में ढल जाओ वैसे आप मैटर करता है, कोई खूबसूरती मैटर नहीं करती। ऐश्वर्या से हम बात कर रहे हैं, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। ऐश्वर्या से बात करेंगे कि मुंबई के और कितने रंग हैं। देख रहे हैं दखल न्यूज़। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और ऐश्वर्या से हम बात करने वाले हैं मुंबई के एक अलग रंग की। ऐश्वर्या, मुंबई में कई बार ये चीज़ देखने में आई है कि आप जैसी कई लड़कियां वहां पहुंचती हैं, एक्टिंग में नाम भी कमाती हैं, बड़े बड़े लीड रोल्स भी उनको मिलते हैं, लेकिन अचानक से खबर आती है कि किसी ने पंखे से लटक के सुसाइड कर लिया या किसी ने जहर खा लिया। ऐसी सिचुएशन क्यों आती है और ऐसा क्या होता है कि वो अपने पीछे कोई क्यों तक छोड़ कर नहीं जाती? मेरे किसी जानने वाले में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है आज तक, तो मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है इस बात का। लेकिन जब, क्योंकि मैं मुंबई में रही हूँ तो आई थिंक मुझे थोड़ा वहाँ का एनवायरनमेंट समझ में आया है। आई थिंक लोग वहाँ अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं क्योंकि मोस्टली लोग अपनी फैमिली से दूर रह रहे होते हैं, और इतने टाइम तक जब अपने आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो ना, बहुत डिस्कनेक्ट फील करने लग जाते हो, तो कभी कभी आप शायद अकेलेपन की वजह से ऐसा स्टेप उठाते हो। दूसरी चीज़ आई थिंक ये भी होती है कि आप किसी एक इंसान पे वहाँ इतने डिपेंडेंट हो जाते हो कि जब वो इंसान आपको छोड़ देता है या डिच कर देता है, या आपको ऐसा लगता है कि वो धोखा दे रहा है, या आपको शक भी हो जाता है शायद वो ना भी कर रहा हो, लेकिन आपके माइंड, बैक ऑफ द माइंड, अगर आपके पास काम नहीं है तो वो खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, तो वो उस चक्कर में भी आप ऐसे काफ़ी सारे स्टेप्स लेते हो। तो आई थिंक ये दो रीज़न हैं। और तीसरा मैं कहूँगी कि आई थिंक कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है वहाँ पर और सब लोग इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं कि आपको यूजुअली लोग पुल डाउन करने में, जितना लोग आपको ऊपर चढ़ने में हेल्प नहीं करेंगे उतना वो आपको पुल डाउन करने में सब लोग में आता है कि बहुत बड़ा सीरियल है, बहुत बड़े निर्देशक हैं और अचानक से बहुत बड़ा रोल भी मिला है, सालों से आप उस सीरियल में काम भी कर रहे हो, अचानक ये होता है कि मेन लीड को मार दिया जाता है सीरियल में और उसके बाद कोई सीरियल मिलता ही नहीं, ऐसा क्यों होता है? नहीं पता, हो सकता है कभी कभी कि लोग, मैंने ऐसा सुना है कि यूजुअली जब आप बहुत बड़े स्टार बन जाते हो तो आप बहुत एटीट्यूड भी दिखाने लग जाते हैं, तो हो सकता है मेकर्स को आपका एटीट्यूड नहीं पसंद आया हो तो इस वजह से उन्होंने बोला हो कि नहीं नहीं चल रही। क्योंकि कभी कभी मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा होता है कि लोग बाग जब पहले बहुत मेहनत करते हैं और फिर जब दो चार चार साल पाँच साल चल जाता है शो, तो बोलते हैं हम सिर्फ दो घंटे के लिए आएंगे, दो घंटे में हमारे क्लोजेस हो रहा है, हमें जाना। ऐसा भी सुना है मैंने कि लोग ऐसा भी करते हैं कि पांच कैमराज लगे हैं, मास्टर और क्लोज साथ में हो रहा है, दो घंटे में उसका काम खत्म करो वरना वो कल आएगी नहीं, ऐसा भी होता है। पहले मेहनत करते हो फिर निकलने की मेहनत करते हो, और ऐसी स्थिति में ये होता है कि आगे रोल मिलना बंद हो जाते हैं। हाँ, मतलब आई थिंक बहुत लोग हैं स्ट्रगल कर रहे हैं घुसने के लिए, तो पुरानों को निकालना ज़्यादा आसान हो जाता है। वही एक्चुअली इन चीज़ों
चीज और अभी सुशांत सिंह राजपूत के सफाई खेल के बाद सामने आई कि मुंबई में चारों तरफ जहर फैला हुआ है, ड्रग फैली है। इससे सच्चाई आप वहाँ पर अकेले रह के मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आसपास दिखाई या सुनाई देती हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस? पहली मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। मेरे बॉम्बे में शायद दो दोस्त हैं जिनसे मैं बात करती हूँ और बाहर जाती हूँ, और मैं जॉइंट फैमिली से, तो मैं हमेशा ऐसी फैमिली में बड़ी हुई हूँ ना कि अभी भी अगर मुझे वहाँ कोई दिक्कत होती है तो मैं पहले अपनी मम्मी और पापा को फ़ोन करती हूँ। तो आप ना, मैं बहुत गलत इंसान हूँ ये पूछने के लिए, क्योंकि मुझे इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, जबकि आपको अपने कान नाक आँख वहाँ सब कुछ खुला रखना चाहिए। पर मैं बहुत बुद्धू हूँ इस मामले में, मैं एक्चुअली नहीं ध्यान देती हूँ। मैंने आपने जो बोला, मैंने एक दो बार नोटिस की है वो चीज़ें कि कहीं मैं किसी पार्टी में गई हूँ और शायद मुझे पता ना हो कि वहाँ कुछ चल रहा है, बट ऐसा मुझे बाद में पता चला कि वो वहाँ पर ऐसा चल रहा था और ऐसा हो रहा था, और तब मुझे ऐसा डर लगता है कि मतलब मैं वहाँ क्लियर निकल आई क्यों, हाँ मैं वहाँ गई क्यों थी, और नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं जाऊँगी, मैं बात भी नहीं करूँगी उस इंसान से। तो मैं थोड़ी उस टाइप की इंट्रोवर्ट इंसान हूँ। मैं किसी को भी उनकी चॉइसेस के लिए कभी गलत नहीं कहती, बट आई थिंक हर चीज़ की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। आई थिंक हमें कभी भी उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, वरना वो हमारे लिए ही हानिकारक हो जाती है। तो थैंक गॉड अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, बट मुझे पता भी नहीं है कि अगर कभी ऐसा कुछ होगा तो मैं क्या करूँ, शायद मैं वहाँ से भाग के वापस आ जाऊँ। ऐश्वर्या, अब हम इस ब्लैक पार्ट को फिर विजिट कर देते हैं और हम फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे आपके एक्सपीरियंस जानना है, कोई बहुत ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आप एक्टिंग कर रहे हो और रियल लाइफ पर सेट कर रहा? हाँ, जैसे कि ये महिमा का ही मैं आपको बताती हूँ, अभी तक मैंने पॉजिटिव रोल भी किए थे, और अभी तक जो हमारी सोशल मीडिया जो अब इतना बढ़ गया है, हमारा सोशल मीडिया दो साल में पिछले इंस्टाग्राम और ट्विटर और ये सब और ट्रोलिंग और फलाना ढिमकाना जो भी सारी चीज़ है, तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे आदत, अब मैंने अपने आप को धीरे धीरे ये इनकलकेट किया है कि आई थिंक सोशल मीडिया इतना इम्पॉर्टेंट है तो वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं वहाँ हूँ एक्टिव, तो अब मुझे नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं उसके, क्योंकि मैं ये नेगेटिव कैरेक्टर जो कर रही थी उसके लिए मुझे बहुत ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। तो पहले मैंने लोगों से ऐसा कहा था कि मेरा कैरेक्टर नेगेटिव है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे नेगेटिव कॉमेंट्स देते हो। बट फिर आगे जाके लोगों ने धीरे धीरे, जब वो बढ़ता गया, तो उन्होंने मेरे कैरेक्टर पर बोलना स्टार्ट कर दिया कि इस लड़की को तो एक्टिंग नहीं आती है, इसको हटाओ यहाँ से, कितनी गंदी एक्टिंग करती है, इसकी आवाज़ कितनी इरिटेटिंग है, ये ऐसे क्यों चिल्लाती है। तो कभी कभी लोग कैरेक्टर और इंसान में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो उस चीज़ को मुझे बहुत इफ़ेक्ट हुआ था, और मैंने अपने घर वालों को बोला था कि मैं नहीं कर पाऊँगी यार ये, मतलब मैं बहुत जल्दी रोने लग जाती हूँ। मैं सेट पे भी रोती थी, तो वहाँ जो हमारे क्रिएटिव टीम के लोग थे वो लोग मुझे समझाते थे कि शाहरुख खान को भी कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन जब वो अपने बर्थडे के दिन हाथ हिला के खड़ा होता है तो लोग आते ना उसके घर, तो हमारी शाहरुख खान है समझी, ऐसे बोलते थे। तो काफ़ी मॉरल बूस्ट देने के लिए बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, तो आई थिंक वो एक टाइम निकल गया। बट ये मुझे एक्सपीरियंस मिला है कि आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आपको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा ये चीज़, या ब्लॉक करना सीखना पड़ेगा अपनी लाइफ से, वरना वो आपको पर्सनली इफेक्ट करेगा। और जाहिर सी बात है, आप सोशली लाइफ जी रहे हैं तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों झेलना पड़ेगा। ऐश्वर्या, आपके आइडल कौन? प्रियंका चोपड़ा। आप बरेली के हैं? ओह, प्रियंका चोपड़ा आज नो डाउट बहुत बड़ा नाम, ग्लोबल आइकन, ग्लोबल आइकन है। और चोपड़ा सोचती तो मैं बहुत कुछ हूँ। प्रियंका चोपड़ा जिस मिठाई की दुकान पर मिठाई खाती थी वो मेरी फेवरेट दुकान है। ओह माय गॉड, बहुत क्लोज आ चुकी हूँ मैं। काफी क्लोज है और जल्दी निक जॉन्स से मिलेंगे हम बस प्लीज। प्रियंका चोपड़ा मेरी बचपन से ही फेवरेट रही है, उनकी वो जो ऐतराज़ फिल्म थी उन्होंने नेगेटिव किरदार किया था, और मुझे वही उसी कैरेक्टर की वजह से आज तक वो निकल नहीं पाई मेरी जहन से। मतलब कोई प्रियंका चोपड़ा बोलता है तो पहले मेरा वो ऐतराज़ वाला वो आता है, तो आई थिंक वो कभी कोई चेंज नहीं कर पाएगा। प्रियंका आपकी फेवरेट है, और एक दिन आपको प्रियंका जैसा बनना, बनूँ या ना बनूँ एक बार उनसे मिलना तो ज़रूरी है। आई थिंक जब फर्स्ट टाइम मुझे मेरा जो डीडी वाला शो तो मैं कर ही रही थी, बट जो पहला सैटेलाइट
जी सी मेन जी टी वी चैनल का जो मुझे शो मिला था विश कन्या, आई थिंक वो एक्सपीरियंस में अभी भी मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। हाँ, तो उस सीरियल के ऑलरेडी प्रोमोज निकल गए थे, वो लोग एक लड़की को बैक से दिखा रहे थे पर उनकी कास्टिंग फाइनल नहीं हुई, तो पीछे छोटी, हाँ छोटी दिखा दे रहे वही। और मैं ऐसे ऑडिशन लेने चली गई, मुझे पता भी नहीं था कौन से सीरियल के लिए ऑडिशन है। तो जब मुझे फ़ोन आया फाइनल लुक टेस्ट के लिए, तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मुझे कॉल बैक आया वो भी लीड के लिए। तो मम्मी ने बोला कौन सा शो है, मतलब पता नहीं जी टी वी का कोई शो है, कुछ सुपरनैचुरल शो है। तो मम्मी ने मुझे बताया उसके प्रोमोज आने स्टार्ट हो गए। तो जब वो मेरा फाइनल हुआ ना, उस दिन जो मेरी खुशी थी, आई थिंक वो पहला सीरियल मिलने की, जो लीड रोल मिलने की खुशी होती है, वो आई थिंक अभी तक वैसी है। आपको पहचान दी थी। अब आपको क्या लगता है कि किस तरीके के सीरियल या किस तरीके के रोल आपको मिलने चाहिए जो बिल्कुल हट कर हो, आप कोई आइडियल रोल? नहीं, अब मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कर लिया है, तो मुझे ये पता है कि मैं चैलेंजिंग रोल्स कर सकती हूँ। पहले मैं हमेशा नेगेटिव के लिए मना कर देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मुझसे होगा नहीं, मेरे एक्सप्रेशन ही नहीं आ पाएंगे या मैं उस तरीके से बोल नहीं पाऊँगी। लेकिन अब मुझे पता है कि मैं दोनों कर सकती हूँ, तो अब मैं चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो अब मुझे कुछ अच्छा, कुछ डिफरेंट सा, चैलेंजिंग सा रोल करना है। चैलेंजिंग रोल करने के लिए तैयार है ऐश्वर्या। आपने सुना ऐश्वर्या को, ऐश्वर्या बहुत कॉन्फिडेंट है और आगे बहुत सारे होप्स लेकर बढ़ना चाहती है। ऐश्वर्या के साथ हमारी बातचीत यहीं पर खत्म होती है। ऐश्वर्या आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। हम आपसे यूँ ही मिलते रहेंगे, देखते रहिए दखल न्यूज़। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।